आज हम लोग मैथ का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन दिया है, इसकी सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन में सही कौन सा है आपको टिक करना है। तो इसका सही आंसर बी है। देखिए इसकी सॉल्यूशन मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको इक्वेशन क्या दिया है, ये वाला दिया है। तो आप क्या कीजिएगा, लेट करिए एक्स की पावर 1/2n जो है, यहाँ पे x की पावर 1/2n को हम y मान लिए, ठीक है। तो फिर x की पावर 1/n क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट x की पावर 1/n y स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे क्यों, क्योंकि इसी का बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। ये जैसे स्क्वायर करेंगे 2 कैंसिल आउट होकर के 1/n आ जाएगा, ठीक है। अब ए वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन क्या दिया था, 3x की पावर 1/2n, इसी को क्या माना मैंने y, तो ये क्या हो जाएगा 3y माइनस x की पावर y, n क्या आया y स्क्वायर, तो माइनस y स्क्वायर माइनस 2=0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए हैं, तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, माइनस y स्क्वायर को सामने कर लेंगे, माइनस है तो माइनस से मल्टीपल कर देंगे तो प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ये माइनस थ्री वाई और ये माइनस वाले प्लस टू। अब फैक्टराइज करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आने वाला है, वाई माइनस टू और वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे से वाई की वैल्यू क्या आने वाले हैं, वन और टू। एक बार इसको बराबर जीरो ले लीजिए, इसको बराबर जीरो ले लीजिए, वैल्यू यही आ जाए। अब क्या करेंगे, वाई की वैल्यू 1 2 आया है, यहाँ पे रख देना है आपको, कहाँ पे, ये जो x की पावर 1/2n इक्वल्स टू y माना था, y के जगह में कितना रख दो, एक बार 2 और एक बार 1, ठीक। तो चलिए इसको पहले लेकर के करते हैं, y था तो आप लेते हैं x की पावर 1/2n इक्वल्स टू क्या है, y था तो y की वैल्यू क्या आया है, 1 और 2, तो एक बार 1 भी रखेंगे एक बार 2 भी रखेंगे। x की पावर 1/2n इक्वल्स टू y के जगह पे मैं 2 रखता हूँ, ठीक। तो x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2n होगा। ऐसे क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर 1/2n है, तो बोथ साइड किस से मल्टीपल करोगे, 2 की पावर n से। इसको 2 की पावर n करेंगे तो 2 की पावर 2n हो जाएंगे और ये कैंसिल आउट करके 1, तो ये कितने हो जाएंगे फिर 4 की पावर n। अब और एक क्या है, x की पावर 1/2n इक्वल्स टू y के जगह में 1 रख दीजिए, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 की पावर 1/2n, 1 की पावर कुछ भी हो क्या होता है 1, तो x की वैल्यू क्या आया 1 और 4 की पावर n, तो 1 और 4 की पावर ऑप्शन जो है सही। इसके बाद और एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो और अल्फा बीटा, देन द इसकी वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसका सही आंसर ए है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कैसे, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक। अब इसका रूट क्या क्या दिया है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, इस इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए बी वाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी वाई ए, ठीक। लेकिन इस केस में अल्फा प्लस बीटा क्या आने वाले हैं, माइनस बी वाई ए तो आएगा लेकिन अल्फा इंटू बीटा बी वाई ए होगा, ठीक। इसके बाद क्या करोगे, जो सॉल्व करने के लिए हमको दिया है पार्ट, इसको लिख लीजिए, अंडर रूट अल्फा बाई बीटा प्लस अंडर रूट बीटा बाई अल्फा प्लस रूट बी बाई, इसको लिख लीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, एलसीएम होगा रूट
बीटा रूट अल्फा, ये क्या हो जाएंगे अल्फा हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि रूट अल्फा के साथ मल्टीप्ल होंगे तो अल्फा, और ये क्या हो जाएगा बीटा, ये वाला जैसे है ऐसे रह लीजिए अंडर रूट बी वाई ए, समझ आ गया। अब इसके जगह में वैल्यू रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, क्या होगा माइनस बी वाई ए, और ये क्या होगा अंडर रूट बी वाई ए प्लस अंडर रूट बी वाई ए इक्वल्स टू कितना होगा माइनस अंडर रूट बी वाई ए प्लस बी वाई ए इक्वल्स टू जीरो। ये माइनस अंडर रूट बी वाई ए क्यों हुआ, क्योंकि इसके साथ इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये रूट बी वाई ए बचेंगे, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं टू को रूट टू से डिवाइड देते हैं तो क्या होता है रूट टू आता है, ये कटेंगे तो ये भी वही चीज़ है, तो इसका सही आंसर क्या है जीरो।